एक स्टूडेंट तो ऐसा था जो यूएस गया कॉन्फ्रेंस के लिए, जिस दिन उसकी प्रेजेंटेशन थी उस दिन उसकी ग्रांट का एक्सेप्टेंस आया। सो इट इज वेरिएबल इन नेचर, टोटली अनप्रेडिक्टेबल, और इन सम वेज आई शुड से कि एक लॉटरी सिस्टम, नो चार्जेस, अच्छा फ्री ऑफ चार्ज। आप अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाएंगे, वो सेट को बस पोस्ट भेजेंगे, बस आपका चार्ज लगेगा कि वो पूरी पोस्ट करें। साथ आपने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस की जो आप हमारी ऑडियंस को कहना चाहते हो, क्या देखो ये गलती शायद मैं कर रहा था तो मुझे इन्होंने ऐसा बताया, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, सो डेट सामने वाले वो मिस्टेक ना करे। एक छोटी सी एडवाइस जाते जाते, छोटी सी एडवाइस ये है कि आप ये मत सोच के चलें कि मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, राइट। अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए आपने मेहनत की, आपका कॉन्फ्रेंस का काम एक्सेप्ट हुआ है, यू आर गेटिंग अ रिकॉग्निशन समवेयर एक्सवाइजेड कंट्री, सो आपको ये नहीं सोचना कि नहीं हुआ तो क्या, एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता खुल सकता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आप अंडर ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी लेवल तक किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो और आप एक फॉरेन जाना चाह रहे हो और आपको किसी ट्रैवल ग्रांट की ज़रूरत हो, तो आज की वीडियो में बेसिकली आपने थंबनेल से अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR ट्रैवल ग्रांट के बारे में। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताऊँ कि देखो वेबसाइट पर तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट अगर कोई बंदा जो ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रखा हो वो चीज़ें अपनी शेयर करेगा ना, तो उससे बहुत ही बेनिफिट होता है। और इसलिए आज मेरे साथ बैठे हैं हमारे हेमंत भाई। तो हेमंत भाई की हेल्प से आज हम लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं। एंड ये फॉरेन 2 बार जा चुके हैं फॉर द कॉन्फ्रेंस पर्पज़, एंड ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ CSIR ट्रैवल ग्रांट। तो अब इनसे बेटर मुझे नहीं लगा कि कोई बता पाएगा। एंड मैंने ये भी देखा है कि यार मेरे को भी अभी एक फॉरेन जाना है एक कॉन्फ्रेंस में, तो हमेशा मैं इनसे ही गाइडेंस लेता हूँ कि हेमंत भाई ये डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं, कहाँ कहाँ मैं फंस जाऊंगा, तो हमेशा से इन्होंने मदद की है। तो मुझे लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं इनसे अपने लिए ले रहा हूँ वो आप सभी के लिए भी मिल जाए, एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाए तो सबके लिए बेनिफिट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेमंत भाई आर यू रेडी? यस यस। और तो आज अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेमंत भाई आप ना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना बता दो कि First of all, thank you Meraj bhai for inviting me, and my name is Hemant Kumar. I am a 4th year PhD student in electrical engineering department, and last year अक्टूबर में मैंने conference के लिए जाना था, तो I prepared in advance मुझे क्या documents चाहिए। I selected CSIR for a simple reason कि जो मुझे amount चाहिए था, जो मेरा tentative amount था क्या चाहिए, वो मेरा CSIR से I was getting a full grant, and मेरा वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। मैंने अप्लाई किया, आई गॉट द ग्रांट, आई ट्रेवल्ड, केम बैक एंड कंप्लीटेड ऑल द फॉर्मेलिटीज एंड गॉट द अमाउंट इन माय। तो इनके सारे एक्सपीरियंस को हम अब धीरे धीरे यहाँ पे रिवील करने वाले हैं। तो हेमंत भाई ये जो CSIR का ट्रेवल ग्रांट है, ये बेसिकली है क्या, क्या आपको रिइम्बर्स करता है, क्या चीज़ है, एक शॉर्ट में अगर आप बताना चाहो। CSIR एक तरीके से गवर्नमेंट एजेंसी है, एंड जो इनके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग CSIR सिर्फ एयर ट्रेवल ग्रांट देता है। ओके, वेदर फुल जो आपका अमाउंट है या हाफ या नहीं, दैट इज अप टू देम, वो उनके ऊपर है कि वो क्या सेंक्शन करते हैं। एंड सेम इंस्टीट्यूट से अगर कोई 2 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी डिफरेंट हो सकता है। ओके, लाइक हम दोनों सेम कॉलेज से हैं, हम दोनों सेम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, मेरा अमाउंट 1 लाख है, आपका अमाउंट 1 लाख है। CSIR अपने डिसीजन से मुझे फुल दे सकती है 1 लाख, आपको हाफ दे सकती है 50%। ये सारा कुछ उनके ऊपर है, और ये एक तरीके से ग्रांट चाहे CSIR का हो, चाहे DST का हो, या और कोई भी फंडिंग एजेंसी का हो, इट इज अ काइंड ऑफ अ लॉटरी सिस्टम। ओके, ये पिक एंड चूज होता है। सो इन जनरल ये CSIR आपका एयर ट्रेवल ग्रांट देता है। ठीक है, अगर एक जो ऑडियंस यहाँ पे देख रहा है वो उसको अप्लाई करना है, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एक बीटेक का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, या आपको कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि PW सेलिब्रेट कर रहा है 3 इयर्स ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 मई एज इट्स फाउंडेशन डे। एंड इसमें वो लेकर आया है मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस, और ये ऑफर्स 27 मई से 2 जून तक चल रहे हैं। टू मेक यू स्किल्ड एंड मार्केट रेडी फॉर द जॉब्स, PW स्किल्स इज ऑफरिंग सुपर एफोर्डेबल टेक कोर्सेज इन हिंदी एंड इंग्लिश बाई इंडस्ट्री वेटरन्स एंड मेंटर्स फ्रॉम द टॉप कंपनीज लाइक Google, Facebook, LinkedIn एंड PayPal। यू कैन ज्वाइन द अपकमिंग बैचेस ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बोथ इन हिंदी Hindi and English starting from 29th of April at just rupees 3,000. You can also check out the Data Science Masters program both in Hindi and English starting from 6th of May at just rupees 3,000, and you can also join Java with DST and System Design both in Hindi and English at just rupees 3,000. Along with the courses, you will also get access to a PW Skills Lab that eliminates the need of high-spec hardware and saves the learning additional expenses of buying a new laptop worth 90,000 to up to 2 lakh rupees. You will also get a chance to do internship with the live projects, live one-to-one doubt support, career assistance, one-to-one resume support, mock interviews and career guidance. You will also have an access to the job portal that offers exclusive job opportunities. So friends, what are you waiting for? PW Skills provides all these features just for rupees 3,000 due to Foundation Day celebration, and if you use my coupon code MR500, you will get instant discount of rupees 500. So go and check out the description box and get avail all these offers and start preparing, and all the best. For a travel grant, especially when you are a student, student में सब कुछ cover होता है, B.Tech और should I say bachelor's degree program, जिसमें सारे bachelor's के program होते हैं. Okay, ठीक है. Masters, PhD, doctoral students and postdoctoral students. But एक limit होती है कि you cannot be beyond 35 years of age. Age limit होती है. ठीक है. वो कुछ funding agency में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है. So एक age limit भी एक factor है. उसके नीचे हो कोई भी type के student हो, you are eligible. ठीक है. तो अब इसमें documents कौन-कौन से आपको prepare करने होते हैं post sanction के लिए? आपको कैसे online apply कर सकते हैं इसमें, और ये चीज़ कब करनी होती है apply? Means जैसे मेरी conference आज के 3 महीने बाद है, तो क्या timeline है कोई specific? टाइमलाइन स्पेसिफिक ये होती है फॉर CSIR एज ए फंडिंग एजेंसी. वो ये चाहते हैं कि आपको 60 to 120 डेज के पीरियड के विद इन अप्लाई करो. ठीक है. मान लो आपकी कॉन्फ्रेंस आज से 5 महीने बाद है, आपके पास एक्सेप्टेंस आ गया है, तो आप 5 महीने पहले अप्लाई नहीं कर सकते. 60 से 120 दिन, 60 to 120 डेज के विद इन आपको अप्लाई करना है. ठीक है. क्योंकि आप 59th डे पे भी नहीं जा सकते और आप 121st डे पे भी नहीं जा सकते. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो ये टाइमलाइन है, और बिफोर गोइंग फॉर कॉन्फ्रेंस 3 या 4 मेन की डॉक्यूमेंट्स हैं. ठीक है. वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका कॉन्फ्रेंस का एक्सेप्टेंस लेटर हो. ठीक है. दूसरा आपके कॉलेज से परमिशन, जिस भी कॉलेज में आप हैं, IIT, NIT और एनी अदर कॉलेज, आपके पास कॉलेज से ट्रेवलिंग की परमिशन. ठीक है. थर्ड थिंग इज आप वो आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आप वहां जाके क्या नॉलेज गेन करेंगे. ठीक है. नॉलेज टू बी गेन्ड फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस. एंड द फोर्थ थिंग इज एक ग्रांट मिलने का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसे फिलअप करना है. उसमें फिलअप करना है, उसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालें. तो वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, वो CSIR की वेबसाइट पे एस Annexure 1 and Annexure 2 वो आपको एवरी स्टूडेंट कैन डाउनलोड दैट फॉर्म, अप्लाई एंड सबमिट. ठीक है. हाँ, और कोई? और CSIR में ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजनी है. ओके. एंड टू बी ऑन सेफर साइड, उसी पोस्ट किए हुए डॉक्यूमेंट्स की एक स्कैन कॉपी CSIR को सेफर साइड फॉर मेल आप भेज सकते हो. क्यों? क्योंकि बाय पोस्ट में कई बार पार्सल गुम होने का रिस्क रहता है. राइट राइट राइट. मेल से भेज देंगे तो यू बी श्योर, आप दोनों साइड से श्योर. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. फिर से आप कॉन्फ्रेंस करके आए, आपको ये CSIR की, अच्छा जब आपने अप्लाई किया था तो आप ये बताओ श्योर थे आपकी आपको मिल जाएगी, मतलब या फिर से जब आपको मिली तो वो मोमेंट कैसा था कि यार चलो एक कुछ पैसे का जुगाड़ हो गया? देखो, everything is unpredictable in this grant lottery system. राइट राइट राइट. आपका ग्रांट मिलने का डिसीजन आपको अगर अच्छा आ रहा है, आपको ग्रांट मिलने वाली है, वो कब आएगा डिसीजन ये भी वेरी करता है. मेरी कॉन्फ्रेंस के जाने से पहले आए वो डिसीजन, कॉन्फ्रेंस वाले दिन आए, अच्छा कॉन्फ्रेंस के बाद भी आ सकता है. ठीक है, ठीक है. ऐसे भी मैंने मेरे एक्सपीरियंस या मेरे जिनसे मैंने इंक्वायरी की, एक स्टूडेंट तो ऐसा था जो US गया कॉन्फ्रेंस के लिए, जिस दिन उसकी प्रेजेंटेशन थी उस दिन उसकी ग्रांट का एक्सेप्टेंस आया. So it is variable in nature, totally unpredictable, और in some ways I should say कि एक lottery system. समझ गया, समझ गया. मिस अपना अच्छा एक चीज़ और मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि एक स्टूडेंट जैसे इसे देख रहा है, वो PhD फर्स्ट ईयर में है या फिर से MTech फाइनल ईयर में है, एंड ही डज नॉट हैव एनी रिसर्च पेपर, राइट? तो उसको ये मेरे मन में ये आ रहा है कि मेरे कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं, मुझे क्या ही मिलेगा, एक अंडर एस्टिमेट आदमी अपने आप को करता है। तो आपका व्यू क्या है कि अप्लाई करना चाहिए या फिर से गेट टू हैव अ रिसर्च पेपर इज अ नेसेसरी क्राइटेरिया और समथिंग? हैविंग अ रिसर्च पेपर इज नॉट अ नेसेसरी क्राइटेरिया। एक तो ये चीज सब क्लियर कर लें, ठीक है। हाँ। ये एक तरीके से एडिशनल फैक्टर हो सकता है, बट उसको भी आप कवर अप कर सकते हैं। वो ऐसे मान लो मेरे को अप्लाई करना है, मेरे पास कोई पब्लिकेशन नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो बाकी कंपोनेंट्स मुझे सबमिट करने हैं कि मेरे को कॉन्फ्रेंस से क्या बेनिफिट मिल रहा है, मेरे जो प्लस पॉइंट्स क्या है, मतलब मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। मान लो आपके पास पब्लिकेशन नहीं है बट योर एकेडमिक बैकग्राउंड इज सुपर स्ट्रॉन्ग, या जो आपको कॉन्फ्रेंस के बेनिफिट्स का जो 1 पेज का आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो इतना अच्छा से प्रेजेंट करें कि सामने वाला कवर अप हो जाए। ओके, सो इट इज नॉट अ नेसेसरी क्राइटेरिया, पब्लिकेशन इज नॉट। सो यहाँ पे जो जिस्ट निकला ये कि अगर आपको जाने का प्लान है तो यू शुड अप्लाई, मिलना yes. ना मिलना तो एक अपने अलग चीज है, एटलीस्ट यू शुड अप्लाई। अच्छा, इसके कुछ पैसे भी हैं, मींस चार्ज लगता है क्या? नो चार्जेस, अच्छा फ्री ऑफ चार्ज। आप अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाएंगे, वो सेट को बस पोस्ट भेजेंगे, बस आपका चार्ज लगेगा कि वो पूरी पोस्ट करें, 60 रुपए लगने हैं बस, वो जो उतना लग गया। तो यार इसको अप्लाई करना है तो आप लोग देख लो इसे। अच्छा ठीक है, फिर से आपने इसको कॉन्फ्रेंस जाके अटेंड किया आप, फिर से आप यहाँ पे रीइंबर्समेंट के लिए उनको फिर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो प्रोसीजर क्या टफ है या टीडियस है, या फिर से आपको कहोगे अरे कितना डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं? देखो प्रोसीजर जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। Only thing that is required is you should have patience. It takes time. ठीक है। आप कॉन्फ्रेंस से आए, कॉन्फ्रेंस से आने के बाद आपको वही 3 से 4 मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला तो आप जो एयर ट्रेवल कर रहे हैं उसके ओरिजिनल बोर्डिंग पास आप संभाल के रखें, ठीक है। मान लो आपके 4 बोर्डिंग पास हैं इन टोटल और आपका एक भी बोर्डिंग पास गुम हो गया है तो आपकी ग्रांट इज 0, यू विल गेट 0, ठीक है। एंड सेकेंड मेन डॉक्यूमेंट इज आप जिस भी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, सिंपोजियम में जा रहे हैं, आपके पास एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड मेन डॉक्यूमेंट इज आपने वहां से जो फर्स्ट स्टेज से रिपीट हो रहा है कि वहां से आके आपने क्या एक्सपीरियंस किया, या आपकी क्या रिकमेंडेशन है। थर्ड थिंग इज दिस। फोर्थ थिंग इज दिस, जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस का स्टेज है उसमें भी एक CSIR का एप्लीकेशन फॉर्म है, यू फिल दैट फॉर्म, यू गेट इट साइन फ्रॉम ऑल द रिक्वायर्ड अथॉरिटीज। आप हो गए, आपके टीचर हो गए या डीन हो, और भी जो डीन्स होते हैं, ठीक है, उनसे साइन करवाए, यू सबमिट। बट पोस्ट कॉन्फ्रेंस वन थिंग दैट मैटर्स इज आपको टोटल 5 सेट अपने बना के रखने ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें से एक आपका ओरिजिनल रहेगा, बाकी 4 फोटोकॉपी रहेंगे। आप CSIR को कॉन्फ्रेंस से आने के बाद 2 सेट भेजेंगे, एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी, बाकी 3 सेट आप अपनी इंस्टीट्यूट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज में आप सबमिट करेंगे। तो आपको CSIR में आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉन्फ्रेंस रीइंबर्समेंट के लिए एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट विच इज टू बी सेल्फ अटेस्टेड और एक फोटोकॉपीड सेट वो आपको भेजना है। तो ये टाइम कितना लेते हैं, जैसे आपका कितना लगा था पैसा, जैसे जैसे आपने यहाँ से स्पीड पोस्ट कर दिया जितने भी रीइंबर्समेंट के डॉक्यूमेंट सारी चीज हो गई, तो आपको कितना टाइम पीरियड लगा वो पैसे आने में? पैसे मेरे डॉक्यूमेंट पहुंचा मैंने जिस दिन किया, थर्ड डे पहुंच गया CSIR दिल्ली पूसा के ऑफिस में, एंड विद इन 10-12 डेज मेरे कॉलेज के अकाउंट में पैसा आ गया। मैं यहाँ व्यूवर्स को ये बता दूं, कोई भी फंडिंग एजेंसी आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा नहीं देगी। अच्छा ठीक है। फंडिंग एजेंसी आपको एक्सेप्टेंस आ गया है, वो आपके कॉलेज के अकाउंट में पैसा देंगे, कॉलेज आपको पैसा देगा। तो फंडिंग एजेंसी ने 10-12 डेज में कॉलेज को दिया, कॉलेज से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते करते इट टुक मी 1.5 मंथ। ठीक है। तो रफली 2 मंथ्स में मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अभी तक तो हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि जो आपका ये प्रॉपर एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग स्टेज से लेके एंड स्टेज से, आपने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस की जो आप हमारी ऑडियंस को कहना चाहते हो कि देखो ये गलती शायद मैं कर रहा था तो मुझे इन्होंने ऐसा बताइए, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, सो डैट सामने वाले वो मिस्टेक ना करें। मेरा कॉन्फ्रेंस से जाने से पहले एंड जाने के बाद एक एक्सपीरियंस है जो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। जाने से पहले जब मैं हर अथॉरिटी से परमिशंस ले रहा था, जैसे मैंने बताया कॉलेज से परमिशन लेनी होती है, तो आई वाज ऑन शॉर्ट डेडलाइन। मेरी डेडलाइन आफ्टर 5 डेज थी, ठीक है। आई वाज वेरी क्लोज, लाइक सो आई वेंट टू द ऑफिस डेली एंड ऑफिस स्टाफ को और भी काम होता है, आपको कोई हाथों हाथ साइन करके बिल्कुल बिल्कुल. सो आई वॉज लाइक नर्वस इन दैट सेंस एंड आई गॉट माई परमिशन ऑन द लास्ट डे इन इवनिंग. सो आई एम एम्फेसाइजिंग कि आप थोड़ा टाइम रख के चलो. एक लेसन तो ये हो गया कि आप टाइम रख के चलो. कॉन्फ्रेंस से आने के बाद जो मैं मेराज भाई से डिस्कस कर रहा था, आपको पेशेंस की जरूरत है. एग्जैक्टली. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज डॉक्यूमेंट सबमिट किए, 5 दिन में मेरा पैसा आ ही जाएगा. ये नहीं होता. एवरीथिंग टेक्स टाइम. आपके पास सब कुछ पूरा है, यू हैव टू बी एश्योर्ड कि आपका पैसा आएगा, कोई आपका पैसा रोक नहीं सकता. राइट राइट. बट आपको पेशेंस की जरूरत होती है एंड ये एक तरीके से कुछ लोगों में नहीं होती है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पोस्ट कॉन्फ्रेंस यू शुड बी हैविंग पेशेंस. पेशेंस 2 महीना 3 महीना रुक जाओ तो वो अब चीजें अपने आप आ जाएंगी. अच्छा हेमंत भाई, आप ये बताओ कि जैसे एक तो CSIR की ट्रेवल ग्रांट होगी, इसके अलावा और कौन सी, अगर ऑडियंस को शायद ना पता हो तो ऑप्शन क्या होते हैं जहाँ वो अप्लाई कर सकता है? देखो, जो आपकी नॉलेज में हो, कोई भी स्टेज का स्टूडेंट हो, 2 main options are there for everyone. First is CSIR. Second is Department of Science and Technology, that is DST sub grant. Okay. ये सबके लिए अप्लाई होता है. अब कुछ एजेंसीज की ग्रांट डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होती है, जैसे बायो साइंस या बायो का कोई डिपार्टमेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सेपरेट ग्रांट फॉर देम ओनली. सो कुछ एजेंसीज का ग्रांट डिफरेंट होता है. कोई मान लो PMRF फेलोशिप है, तो PMRF फेलोशिप हैज अ सेपरेट अमाउंट डेडिकेटेड 2 lakhs और 3 lakhs पर एनम फॉर कॉन्फ्रेंस एंड रजिस्ट्रेशन पर्पसेस, एंड सबका अलग अलग ऑप्शंस होते हैं. ये 4 की ऑप्शंस हैं, आप मान के चलो. तो यहाँ हम लोग या तो आप बेसिकली ये वीडियो में हमने CSIR पे डिस्कस किया एंड इसके अलावा आप DST का जो सब ट्रेवल ग्रांट है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो. तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल हेमंत भाई कि अगर आपको जाना है तो आप अप्लाई कर दो, फ्री में अप्लाई करना है, अच्छे से राइटअप लिखो, पेपर्स हो या नहीं हो बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो. हैविंग अ पेपर इज नॉट मैंडेटरी, बट कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज लाइक परमिशन एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये आप सब कुछ कर लोगे. और इसके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा सा पहले लेके चले. राइट. थोड़ा आप ये मान के चलो, अगर आपको 60th day इज योर डेडलाइन, तो यू शुड बी रेडी अराउंड 75 days of time, something like that, so that अगर कोई अपना कोई हॉलीडे ही पड़ गया, हॉलीडे हो गया या कोई वीकेंड आ गया या कोई छुट्टी पे चला गया या कोई बीमार हो गया फॉर XYZ रीजंस, तो यू शुड हैव सम टाइम. राइट राइट राइट. सो फाइनली सर, अब सारी चीज़ें आई होप कि अब हमारा लगभग 15 मिनट का ये वीडियो हो गया है. और सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गई. तो हेमंत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और अगर आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहो CSIR के रिलेटेड या कैसे अप्लाई करना, तो एक फाइनल कोई एक छोटी सी एडवाइस जाते जाते. छोटी सी एडवाइस ये है कि आप ये मत सोच के चलें कि मुझे नहीं मिला तो क्या होगा. राइट. अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए आपने मेहनत की, आपका कॉन्फ्रेंस का काम एक्सेप्ट हुआ है, यू आर गेटिंग अ रिकॉग्निशन समवेयर XYZ कंट्री, सो आपको ये नहीं सोचना कि नहीं हुआ तो क्या. एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता खुल सकता है. एग्जैक्टली. सो बहुत अच्छी चीज़ है. तो हेमंत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू अपने टाइम के लिए. और इस पूरे वीडियो को बनाने के पीछे की कहानी भी बड़ी मज़ेदार है, जो अभी हम लोग का मोबाइल कई बार फेल हो गया और कई सारी चीज़ें. सो एनीवेज, तो अगर आपको CSIR ट्रैवल ग्रांट या किसी और ग्रांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दो. मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की. एंड बहुत ही रिसेंटली कोशिश करूँगा मैं कि आई थिंक DST सब ट्रैवल ग्रांट के भी हमारे पास IIT जोधपुर में 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी एक हम लोग इंटरव्यू लेंगे. तो और कोई स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दो. तो आई होप कि सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और मैं CSIR ट्रैवल ग्रांट कहाँ अप्लाई करना है उसकी लिंक भी आपको ड्राइव में यहाँ शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हो. और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना. और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो टिल देन हैव अ गुड डे. बाय बाय.